हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि टीजीटी का जो केस था एक सब्जेक्ट एसएसटी को लेके, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये केस ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें थी वो टोटली डिपार्टमेंट के ऊपर थी कि डिपार्टमेंट अपना डिसीजन दे। और जो स्टूडेंट भी थे उन्होंने भी बहुत सही किया था कि हाँ ठीक है, अपनी बातें जब कभी कभी ये अगर खुद पे पर्सनली पे लेके देखेंगे, आप पर्सनली अपने ऊपर लेके देखेंगे, तो आपको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ अगर हम किसी चीज़ का जवाब, जैसे अगर आप डिपार्टमेंट से जाते, एक पर्सन अकेले जाता वहाँ डिपार्टमेंट से पूछता इसका जवाब, जैसे मान लीजिए वो डाउट में था या उसको पता भी नहीं था या जो भी हो उसके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा किसी से पूछने। तो अगर ऐसे डिपार्टमेंट से पूछता अकेले जाके तो शायद उसका उसको जवाब नहीं मिलता। तो उसने क्या किया कि उसने कोर्ट की मदद ली और उसको उसका जवाब भी मिला, और वो यही चाहता भी था। जरूर थोड़ा सा रिजल्ट उसकी वजह से डिले हो रहा है, लेकिन चलिए फाइनली जो भी हुआ उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट और जो भी कहानी के माध्यम से जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो सारी चीज़ें मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके बात कर लेते हैं कि जो केसेस था वो अप्लीकेंट का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि डायरेक्टली किसी का नाम लेना वो सही नहीं होता। तो एक अप्लीकेंट थे भैया टीजीटी एसएसटी के, उनके वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये था केस का मामला। मतलब अप्लीकेंट थे टीजीटी साइन के थे, टीजीटी एसएसटी के थे, ठीक है, टीजीटी एसएसटी के थे और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के क्या अगेंस्ट में ये केस था, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो 303 टीजीटी पोस्ट के लिए ये हायरिंग हो रही थी, जो कि जिसका कि नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, 9 फरवरी 2024 को टीजीटी 303 पोस्ट के लिए हायरिंग स्टार्ट की गई थी। और वहीं बात करें इसकी लास्ट डेट कब थी, इसकी लास्ट डेट थी 18/3/2024। और मतलब कोर्ट केस में जो कहानी लिखी है वो सुनते चलिए, बस शुरू से शुरुआत की कहानी टीजीटी 303 पोस्ट की हायरिंग से चलती है कि इसकी नोटिफिकेशन जारी की जाती है 9/2/2024 को, उसके बाद लास्ट डेट 18/3/2024 होती है। और वहीं बात करें जो अप्लीकेंट है, वो बीए का अप्लीकेंट है, मतलब बीए के स्टूडेंट है, बीए आर्ट्स की, जिनका सब्जेक्ट जो है उनका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है और वहीं कंप्यूटर है, वहीं इंग्लिश है, एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स है इनका, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, ठीक है, बीए में इनका ये सब्जेक्ट है। और बीएड में, इनका क्या क्या सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है और पेडागॉजी इन इंग्लिश, ठीक है। इनके जो बीएड में जो सब्जेक्ट है बीए में, पहली बात कर लेते हैं बीए की, तो बीए में जो इनका सब्जेक्ट था इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश पेडागॉजी है, कंप्यूटर है और इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है, ठीक है। वही बात करें बीएड में इनका जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी था और पेडागॉजी इन इंग्लिश था। तो अब इसके बाद रिटन जो इसका एग्जाम होता है, इसका जो रिटन एग्जाम होता है कब होता है, 22/6/2024 को, मतलब 22/6/2024 और 23/6/2024 को टीजीटी का एग्जाम होता है जो भी वेरियस सब्जेक्ट के रहते हैं। अब आगे की बात करें तो इसका रिजल्ट कब आता है, 3/9/2024 को इसका रिजल्ट आता है टीजीटी का, ठीक है, कब आता है, 3/9/2024 को इसका रिजल्ट आता है। यहां तक कहानी शुरू हुई। अब आगे की बात करें तो अब जब रिजल्ट आता है तो भाई डिपार्टमेंट कहता है कि चलो अब आओ, भंडारे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हमारी तरफ से, आपको आना है। तो भाई बुलाया जाता है डीवी के लिए, पहले राउंड की डीवी 12/9/2024 को डीवी के लिए बुलाया जाता है, कब, 12/9/2024 के लिए, 24 को। अब आगे चलते हैं तो डीवी की सेकंड राउंड होती है, मतलब लिस्ट, रिमार्क लिस्ट आती है, पहले राउंड की रिमार्क लिस्ट आती है और फिर से एक सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाता है, कब, 23/9/2024 को ही, ठीक है, कब, 23/9/2024 को। फिर उसके बाद 23/9/2024 को जब एप्लीकेंट का रिमार्क लिस्ट आता है तो उसमें उनको कहा जाता है कि बीएड में उनका जो है एसएसटी सब्जेक्ट विद 50% नहीं है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं मैच कर रहा और इसीलिए इनको इनएलिजिबल कर दिया जाता है। और इसके बाद कैंडिडेट क्या करता है, कैंडिडेट जो एप्लीकेंट रहता है भैया, जो एप्लीकेंट है वो क्या करता है कि जो उसमें रिमार्क लिस्ट रहता है सेकेंड राउंड के डीवी के समय, वो अपना क्लियरेंस क्लैरिफाई करता है, क्यों, क्या करता है कि वो जो डायरेक्टर हैं कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो भी लिख के अपना दिया था कि हाँ ये जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश पेडागॉजी या ज्योग्राफी ये एसएसटी के अंदर आता है, मतलब इट फॉल्स अंडर एसएसटी एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ इन्होंने ये बोला कि भैया जो सब्जेक्ट ऑफ पेडागॉजी और ज्योग्राफी है ये एसएसटी के अंदर आता है, और यही क्लैरिफिकेशन जो है वो एप्लीकेंट कमेटी के सामने, जो डीवी करती रहती है, उनके सामने प्रेजेंट करता है। और आगे की बात करें तो 11/10/2024 को
फिर क्या होता है कि ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं, ठीक है, रिमार्क लिस्ट हो जाती है, वो जाती है, ये जाते हैं 11/10/2024 को कहाँ जाते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, वही अप्लीकेशन लेके और उस अप्लीकेशन में जो भी क्लैरिफाई करके वो लिखते हैं कि हमको हाँ जल्द से जल्द इस पे मतलब हमको जो इन एलिजिबल किया गया है ये मतलब सही तरीके से नहीं किया गया है और हम एलिजिबल हैं, इस मामले की जल्द से जल्द जाँच करें और हम नहीं चाहते कि रिजल्ट को रोका जाए और इसका जो मतलब परिणाम है, जो आउटकम है, इसको जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका निपटारा करके मतलब चीजें दे, ठीक है, जो भी है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अगर एप्लीकेंट, इसमें कहा गया कि डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/10/2024 बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मतलब वही कहा कि भैया मैंने कहा कि अगर अपना उस पर दीजिए कि अगर कैंडिडेट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो 11/10/2024 को ये लोग जाते हैं वहां पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए अप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ से उनको जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और उसके बाद ये मतलब कहते हैं कि डिक्लेरेशन मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट को जब तक मतलब तब तक ना डिक्लेयर किया जाए फाइनल रिजल्ट जब तक हमारा ये मामला का निपटारा ना हो जाए, ठीक है। और यही चीज़ पेपर में निकाल दी जाती है कि रिजल्ट पे लगा रोक, PGT-SST 303 पोस्ट की जो वैकेंसी हायरिंग चल रही है 303 पोस्ट की उस पर लगा स्ट्रे, तो भैया रोक ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, मामला असलियत कुछ और होती है, हमें भले दिखाई कुछ और दिया जाता है, न्यूज़ होता है, न्यूज़ का मतलब यही होता है कि सुर्खियां बटोरना, सुर्खियां बटोरने के लिए हमें कितना झूठ बोलना पड़े वो बोलना पड़ता है, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद भाई फिर से ये मामला जाता है ये 23/9/2024 को, ठीक है, 23 तारीख को ये केस कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट में वैधिक सुनवाई होती है, ठीक है, सुनवाई होती है और जो अप्लीकेंट रहते हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो एडवोकेट रहते हैं अप्लीकेंट की तरफ से और जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहते हैं, दोनों में बात होती है, बातचीत होती है। अब आउटकम क्या रहा इस ऑर्डर का, इस ऑर्डर का यही आउटकम है मेरे भाई कि उसमें कहा गया कि मतलब दोनों पक्ष की बात सुनी गई और जो भी क्लैरिफाई था सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोर्ट कह रहा है कि मामला मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना क्लैरिफाई दे भी दिया है, इन्होंने इनके अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो सही हैं अभी तक और ये डिसीजन लेने के मतलब अपना खुद का डिसीजन लेने पर इनको वो छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ ये केस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई इन्होंने अप्लीकेंट की भी क्लैरिफिकेशन को पढ़ा और जो रेस्पॉन्डेंट थे उनकी दोनों की क्लैरिफिकेशन पढ़ा जो भी कोर्ट ने पढ़ा और वहाँ पे कहा गया, अब भी कहा गया कि अगर अभी आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन है जो एप्लीकेंट है तो आप फिर से सबमिट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा प्रूफ है आपके पास फिर से सबमिट करिए, हम उसको अंडर कंसिडरेशन लेंगे और उस पर उस मामले पर विचार करेंगे, उनको ऐसा बोला है जो एप्लीकेंट है। और जो कोर्ट ने कहा कि भैया ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अपना निर्णय ले सकता है और इस पर विचारधीन करे और एक चीज़ इसमें और नोटिस कर दिया है कि अगर जो एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई नहीं होता फिर भी तो कोर्ट का डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कोर्ट का मदद ले सकते हैं, ठीक है, मतलब न्याय के लिए वो कोर्ट में फिर से मदद के लिए वो गुहार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी एजुकेशन अभी केस तो डिस्पोज ऑफ हो गया है लेकिन इसका जो डिसीजन है वो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ले ही लेगा, ठीक है। तो देखिए क्लैरिफिकेशन भी मिल गया है, सारी चीज़ें मिल गई लेकिन उसमें आउटकम जो है वो सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, बस ये है कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया इस केस को और क्योंकि कोई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन दिया गया था वो देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल भाई इनके पास ये राइट है, ये अपना खुद से डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो इनके पास नहीं है, ठीक। तो इसीलिए इस केस को डिस्पोज ऑफ किया गया। बाकी चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि उनके वकील ने कि ये जो वैकेंसी है वो अंडर प्रोसेस है, मतलब अंडर प्रोसेस तो है ही, मतलब जल्द ही जल्द इसका जो रिजल्ट वगैरह है वो आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो कोर्ट का मामला था, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीधा सा मतलब एक लाइन में यही समझिए कि एप्लीकेंट ने अपनी सारी प्रूफ वगैरह जो भी देना था इन्होंने यूनिवर्सिटी से लिखवा के अप्लीकेशन दिया चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर उसके बाद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो क्लैरिफिकेशन चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपना देता है और दोनों तरफ से सुनवाई होती है और दोनों तरफ की कॉपी जो भी होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जज साहब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखिए ये चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बेसिस है जिस बेसिस पे इन्होंने अपनी सारी चीज़ें प्रेजेंट की हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लैरिफिकेशन के लिए, ये बेसिस है इनका और ये इन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके अनुसार ये सही हैं और एप्लीकेंट्स के पास प्रॉपर मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं है तो ये मामला चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट पर छोड़ा जाता है और ये जो भी
अपना फैसला लेगा, वो बात की चीजें हैं। और एक कंडीशन और लगा दी कि अगर कैंडिडेट जो एप्लीकेंट्स है वो सेटिस्फाई नहीं होता तो ये फिर से कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बोली गई, कोर्ट को जो कि इस केस है डिस्पोज ऑफ हो गया है। तो एक शब्द में मैं इतना ही कहूँ तो इस पर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ये कोर्ट का मामला है तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। बाकी देखिए, हो सकता है, आई होप सो कि जल्दी आपको आपका टीजीटी की भी लिस्ट देखने को मिली। बाकी एनटीटी की लिस्ट आ गई है, मिलेंगे अगले वीडियो में एनटीटी की लिस्ट के साथ कि क्या है उसमें, लिस्ट में किसको किसको जाना है, किसको किसको नहीं जाना है। और होप सो कि आपका नवंबर में ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है, यही उम्मीद रखते हैं मेरी, मुझे जैसा लग रहा है। बाकी ऑल द बेस्ट, चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।